मौसम अच्छा यार है ना, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये रैप नहीं अच्छा, बड़ा चीप रहा था। इतना महंगा रैप करा लिया है लेकिन है चीप। बात सही है वैसे, महंगा करा। यार एक्टिंग करना यार मेरे भाई। यार तू रियलाइजेशन कराई आ रहे हैं, तू एक्टिंग करा। नागरी रहा बता ही नहीं। बेसिकली ये सीन में करना इसने ये था, इसने डिपेंड करना था इस रैप को। मैंने बात ही लग रहा है, मैं करा लिया चिट्टी भेज दिया ना। अच्छा काट काट सीन टू। वेरी नाइस ब्रदर यार। लेकिन रैप नहीं अच्छा आपका है तो दो गुलाब रुपए का आपने महंगा करा लिया। बहुत बस महंगा था बट चस भी था ना। क्या चस है भाई फारिक, मैंने 20,000 में रैप कराया, आपने 2,00,000 में फर्क किया। तेरी गल सुनी, जिना गुड़ फो ना मीठा। मतलब नहीं कि गुड़ रोड ही दियो। तुसी ते रोड दिता 2,00,000 रुपए का रोड था तुसी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, ये सब मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है वो लाइसेंस है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बने 5 साल तकरीबन होने वाले हैं। 5 साल होने वाले हैं, इसका ये मतलब है 2018 में ये बना था और 2023 में ये एक्सपायर हो जाना है। 10 अक्टूबर को एक्सपायरी है इसकी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रिन्यूअल अगर टाइम से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कोई चार्जेस कोई पेनल्टी पड़ती है अगर आप लेट इसको रिन्यू करवाते हैं। दूसरा अहम काम ये है कि हमारे पास ये देख रहे हो आप ग्रीन पासपोर्ट, साथ ही साथ में ये सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, बाहर जाके अगर गाड़ी नहीं चलाई तो आपने किया गया बाहर जाके। तो इसीलिए ये दो काम है, देखते हैं दोनों कामों में से कितने काम हमारे हो पाते हैं, या फिर दोनों ही नहीं हो पाते, या फिर क्या सीन होता है। अगर रश ज्यादा होगा तो हम नहीं जाएंगे, हम वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करेंगे अपना। अगर रश कम होगा तो एटलीस्ट एक काम तो इन दोनों में से कोई ना कोई कर ही लेंगे। लेट्स गो टू द लाइसेंस ऑफिस, अल मशहूर लिबर्टी वाला ऑफिस, जो कि मेरा ख्याल है 24/7 है। ये बड़ी इन्होंने सहूलत दी है यार, ये बहुत गुड सहूलत है फॉर लाहौरीज। वेलकम टू लिबर्टी, अवेलेबल पार्किंग स्पेस 600 पावर्ड बाय ले पार्क। पता नहीं है क्या क्या लिखा है, आपने पढ़ी लिया होगा। बाहर ये तो लिखा था कि 600 गाड़ियों की पार्किंग है, ये नहीं लिखा था कि स्विमिंग पूल भी दस्तयाब है। गाइस गोडे गोडे पानी खड़ा हुआ है गाइस, और हम सक्सेसफुल हो गए थे गाड़ी यहाँ पे खड़ी करने में। लेट्स गो इनसाइड नाउ। लाइसेंस रिन्यू करवाना है और इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करना है। एक वक्त में एक काम होगा, बल्कि ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा ये लाइसेंस आएगा, फिर वो अप्लाई होगा, वो भी 2 हफ्ते में आएगा। चलिए थैंक यू जी। बॉयज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाइसेंस वाला काम कंप्लीट हो गया है, और खुशी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। अब आप सोच रहे हो इतनी कितनी ज़्यादा है भाई, क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मार लिया इसने। यार देखो जो सरकारी काम है ना पाकिस्तान में, जब टाइम पे हो जाए तो आपको इतनी खुशी होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा खुश। हमारा जो लाइसेंस वाला काम है वो हो गया। जब मैं उधर काउंटर पे गया था उन्होंने मुझे कहा था कि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, या आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लें या फिर आप अपना लाइसेंस रीन्यू करवा लें। मैंने कहा कि हमारा लाइसेंस रीन्यू कर दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम इंटरनेशनल अद्भुत देख लेंगे सीन। लाइसेंस रीन्यू के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, अपना पुराना लाइसेंस ही चाहिए होता है, वो जाके दें। और 950 रुपये उन्होंने मुझसे लिए, 950 रुपीज़ मुझसे लिए उन्होंने, और मेरा लाइसेंस रीन्यू हो जाएगा, हो गया है, मतलब कि वो 2-2.5 हफ्ते तक घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है, ये पते की बात है, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना होता है, मतलब आप जो विजिट वीजे पे कहीं भी आप बाहर के मुल्क जा रहे हो, तो अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लोगे तो आप गाड़ी बाहर चला सकते हो। इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको पाकिस्तानी लाइसेंस चाहिए होता है। ये नहीं कि आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है और आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाने चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस होना जरूरी है, फिर इंटरनेशनल लाइसेंस उसकी बुनियाद पर बनता है। दूसरी चीज आपको चाहिए होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट पे किसी कंट्री का वीजा नहीं चाहिए होता, ये बहुत बड़ी जो है ना, मेरे दोस्त ने मेरे दिमाग में बात डाल दी थी। मैं लाइसेंस बनवाने जा रहा था, मुझे कहता है इंटरनेशनल जब बनवाने जा रहा था, एक बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, मुझे कहता है यार वीजा ही नहीं लगा होगा तो वो इंटरनेशनल लाइसेंस तेरा नहीं बनेगा। तो आपको पासपोर्ट, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है, और पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, कॉपी वो रख लेते हैं, लाइसेंस की भी कॉपी वो रख लेते हैं, और आपके आपको ओरिजिनल चीजें वापस दे देते हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए आपको वीजे की जरूरत नहीं होती, आप वीजा जहां मर्जी लगवा के जाओ, वो इंटरनेशनल लाइसेंस से उसका लिंक नहीं है,
आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए वो आपको बना के आपके घर भेज देंगे। तो पहले हम रिन्यू करवाएंगे इंटरनेशनल लाइसेंस, फिर हमने जब बनवाना होगा वो हम देख लेंगे जब कब बनवाना है। तो खैर ये जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपको आज के ब्लॉग में दे दें। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। आओ चलते हैं, इंटरेस्टिंग सी वीडियो है आज की और जरूरी बड़ी है। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट शॉट में मैं बताता हूँ। सुबह हो जाए, अभी जाके घर सोएंगे, लेट नाइट गया था मैं इस ऑफिस से 24/7 है ताकि रश ना मिले। अब जाके सोएंगे, सुबह आपसे मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपडेट ये है कि नार्डो और रूडी जो है वो जा रही है एक छोटी सी ड्राइव पे, दोनों गाड़ियाँ बड़ी ही पप्पू लग रही हैं। अच्छा, आज की वीडियो का मेन मकसद आप लोग समझ तो गए होंगे। बेसिकली टुडेज वीडियो इज़ अबाउट चीप रैप वर्सेस एक्सपेंसिव रैप। ये है चीप रैप और ये है एक्सपेंसिव रैप। बहुत तेज हो रहा है। ये $600-700 का होगा, 600 का, ये ऑलमोस्ट $600 का है और जो ये आप देख रही हो ये $100-150 का है। जमीन आसमान का फर्क है भाई, $500 का फर्क है रैप में। तो ऐसा क्या है उस रैप में जो कि वो इतना महंगा है, और ऐसा क्या है इस रैप में जो ये इतना सस्ता है। रैप के डिफरेंस पे बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रैप का फायदा क्या होता है। अगर आपकी गाड़ी जेन्युइन है, आप उस गाड़ी को रैप करोगे तो आपकी गाड़ी का जेन्युइन पेंट नहीं जाएगा और गाड़ी पे आप डिफरेंट कलर्स ट्राई कर सकते हो गाड़ी का पेंट चेंज किए बगैर, मेन सबसे जरूरी चीज। दूसरी चीज ये कि रैप ऑब्वियसली आपको कलर चेंज करने की ऑप्शन देता है। आप अपना ओरिजिनल बॉडी कलर तो चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करते हो तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। रैप आपको आप खरीदते हो और 2-3 दिन में अच्छी लेबर से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपनी गाड़ी में। ये कुछ फायदे हैं। उसके अलावा रैप सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, आपकी गाड़ी का कलर चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप अपनी गाड़ी की बॉडी पेंट की भी हिफाजत कर सकते हो रैप से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर रैप अपनी गाड़ी कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी का बॉडी पेंट भी सेव कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि रैप अच्छे वाला होना चाहिए, ये चाइना वाला नहीं। तो बस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि एक आम सस्ता सा रैप और एक महंगा जो तकरीबन आपको 2 लाख प्लस ही रैप पड़ता है, इन दोनों रैप्स में फ़र्क क्या है। दिस इज़ अ चाइना रैप। चाइना रैप की टॉप कैटेगरी आप कह लें, वन ऑफ द टॉप कैटेगरीज में ये रैप आता है, लेकिन ये रैप जो है ये चाइना को तो बहुत दूर छोड़ देता है क्योंकि ये एक ब्रांडेड रैप है। बॉयज ये जो दोनों गाड़ियां आप देख रहे हैं, इस गाड़ी पे तो खैर 2 रैप हुए हैं, एक सस्ता रैप हुआ था इस कैटेगरी वाला जो इस गाड़ी पे रैप हुआ है, पहले इसी कैटेगरी वाला इस गाड़ी पे रैप हुआ हुआ था, इसके बाद इस गाड़ी के ऊपर महंगा रैप हुआ है। इस गाड़ी पे तकरीबन 4 रंग हम बदल चुके हैं, 4 डिफरेंट रंग। हमने पहले इसको एक मेंटोस के नाम से हमने इसका नाम रखा था उस रंग का, उसके बाद हमने इसको किया था पिंकी, पिंकिश रैप था एक, उसके बाद हमने इसको किया था सैटिन ग्रे रैप, और अब लास्ट रैप जो इस गाड़ी के ऊपर है, जी हाँ लास्ट रैप, ये रैप हम उतार देंगे, इसके बाद ये गाड़ी रैप नहीं होगी। इस गाड़ी को हम क्या करने वाले हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। जो सबसे पहला रैप मैंने मार्केट के ऊपर किया था, ये जो आप रेड कलर की रूडी देख रहे हैं मेरे पीछे, इसके ऊपर सबसे सस्ता रैप किया था मैंने, वो इससे सस्ता कोई होता ही नहीं है रैप, और उस वक्त वो बहुत ही सस्ता था, मतलब 10,000 के अंदर अंदर मुझे रोल मिल गया था और लेबर अलग से मैंने दी थी, मतलब 10,000 में भी रैप होता था एक जमाने में। अब तो खैर वो भी रैप जो है 15-20,000 का मेरा ख्याल है हो गया, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद मैंने करवाया था अच्छे वाला रैप, वो मुझे रोल मिला था तकरीबन 18,000 का। अब ये प्राइसेस सारी बदल गई हैं क्योंकि 4-6 महीने में, 1 महीने में प्राइसेस बदल जाती हैं, तो फिर 4-6 महीने तो दूर की बात है। फिर हमने पिंक रैप किया था, पिंक रैप मैंने 18,000 का लिया था, फिर मैंने सैटिन ग्रे रैप किया था, सैटिन ग्रे मैंने मेरा ख्याल है 23,000 का लिया था, और उसके बाद मैंने ये वाला रैप लिया था और ये रैप मुझे गालबन 25,000 के करीब करीब पड़ा था। तो 25,000 से ऊपर मैंने रैप नहीं करवाया इस गाड़ी के ऊपर, और उस गाड़ी का जो रैप है वो 2 लाख रुपए का रैप है तकरीबन, कम से कम 2 लाख का रैप है, कम से कम 2 लाख का रैप है ये।
आओ मजीद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रैप्स के अंदर आ जाती हैं कलर्स। कलर्स जो आपको टेक रैप में जितनी वैरायटीज मिलेंगी वो आपको चाइना में नहीं मिलेंगी। चाइना में आपको गिनी चुनी वैरायटीज मिलती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कलर्स बहुत ज़्यादा फीके होते हैं। और बहुत ज़्यादा फीके से मुराद ये नहीं कि बहुत डल कलर होते हैं, फीके से मुराद वो कलर्स होते हैं जिनको आपको गाड़ी के ऊपर लगा के ऐसा ऐसा कंट्रास्ट करना पड़ता है, मतलब आपको कंट्रास्ट वाली गेम उठानी पड़ती है, वरना वो रंग कभी भी आपकी गाड़ी के ऊपर सूट नहीं करता। उसके अलावा टेक रैप में आपको ऐसी ऐसी ज़ात के कलर्स मिलेंगे, जो सा आप कलर चाहोगे आपको वो कलर मिल जाएगा टेक रैप में। ये खास बात है महंगे रैप की। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि चाइना रैप में और एक महंगे और ब्रांडेड रैप में इतना फ़र्क होता है कि गाड़ी के कलर में इतनी डिफरेंस होती है। बेसिकली आप इस वक्त देख रहे होगे कि मार्क एक्स का जो कलर है डल डल सा है, जैसे अगर गाड़ी आपने पेंट करवाई हो और कंपाउंड की ज़रूरत हो गाड़ी को, वैसा कलर इस वक्त वो लग रहा है। लेकिन वेयर एज नार्डो के ऊपर जो कलर हुआ होगा, ये वाला कलर आपको दूर से इसी तरह लग रहा होगा जैसे ये गाड़ी पेंटेड है। इसकी फिनिशिंग इतनी डिफरेंट है कि आपका इस गाड़ी को देख के दिल करता है कि यार आप 2 लाख रुपया खर्चो और ऐसी फिनिशिंग आपकी गाड़ी पे आए। इस क्वालिटी का भी डिफरेंस है, क्वालिटी प्लस फिनिशिंग। क्वालिटी में आपको एक्सप्लेन बड़े आराम से मैं कर सकता हूँ। देखो मेरा शेडो यहाँ पे, हेलो, देखो कितना धुंधला है ये, गौर कर लो ये इमेज। अब देखो इसके ऊपर मेरा शेडो, जैसे आपने गाड़ी को पॉलिश की हो, कंपाउंड पॉलिश एवरीथिंग, मतलब ये गाड़ी के ऊपर रैप ऐसे ही है जैसे ये गाड़ी का रैप नहीं है, ये गाड़ी पेंटेड है। लिटरली ऐसे लगता है कि ये गाड़ी इस वक्त रैप नहीं है, ये गाड़ी पेंटेड है। इतनी फिनिशिंग का फर्क होता है एक सस्ते रैप में और एक महंगे रैप में। तीसरी अहम और जरूरी चीज ये है कि इस रैप की ड्यूरेबिलिटी क्या है और इस रैप की ड्यूरेबिलिटी क्या है। बॉयज, ड्यूरेबिलिटी इज द मेन फैक्टर बिटवीन दीज टू रैप्स। ये रैप अगर 20,000 का है तो ये 20 दिन ही चलेगा, अगर ये 2 लाख का है तो ये तकरीबन 2 साल चल सकता है, डिपेंड्स ऑन योर केयर। ये वाला रैप मैंने 4 दफ़ा करवाया है। पहला वाला रैप आराम से 4-5 महीने में चला सकता था, मैंने चलाया नहीं था वो अलग बात है। लेकिन इस रैप में सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि 5 से 6 महीने बाद ये रैप उखड़ने लग जाता है डिफरेंट जगहों से। ये हो गया जैसे ट्रंक वाला हिस्सा हो गया, उसके अलावा दरवाज़ों जहाँ से फोल्डिंग होती है ना रैप की, वहाँ से ये निकलने लग जाता है। वेयर एज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये वाला जो रैप है, टेक रैप है, इसकी फोल्डिंग इस तरह से की जाती है। फोल्डिंग तो सेम होती है दोनों रैप्स की, लेकिन इसकी जो आप कह लें ग्लू या फिर पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी और इतनी प्रीमियम होती है कि वो रैप अपनी जगह से नहीं निकलता और वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी दोनों रैप्स की जमीन आसमान का फर्क है। वो इस पिछले 2 घंटे से बन रही है रील्स। चीज़ के काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, निकले हुए थे, हमने सोचा क्यों ना बना ही लें। और अब आपको एक्सक्लूसिवली ये खबर देता चलूँ तो वो ये है कि हम ये रैप है अभी उतारने लगे हैं और इसको ओरिजिनल, इसको पेंट वाली हालत में मज़ेदार से रीस्टोर करेंगे। जो हमने जिस तरह लालो रीस्टोर की थी, पूरे तरीके से ये गाड़ी रीस्टोर होने वाली है। बस बने रही है, आने वाला कॉन्टेंट मज़ेदार होने वाला है। इसको मज़ेदार तरीके से, अच्छे तरीके से पैक करेंगे, जितना कुछ कर सकते हुए हम करके इसको गाड़ी को चैप्टर एंड कर देंगे। सो बॉयज, दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। रील के चक्कर में जो है ना भाई, मत मारी गई। आई होप सो कि एडिटिंग में जो है ना वो मजा करवा दें। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप सो आज आपने कुछ रैप के रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखा होगा। 20,000 का रैप वर्सेस 2 लाख का रैप। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गांव में भाई याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देना। चलो जी।